प्रयास हमारा ये है कि बच्चा अगर बोले हम कि स्कूल जाओ, तो कितने लोग बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं भाई। क्लासरूम जाओ, कितने लोग खुशी खुशी जाते। अब सच बताओ, कितने लोगों की खुशी इस बात के लिए है, हाँ पीछे से भी सबने हाथ उठाया है, कितने लोगों की खुशी इस बात के लिए है कि दोस्तों से मिलने जाना है, और कितने लोगों की खुशी इसलिए है कि हाँ हाँ मुझे बैठ के पूरे पीरियड में टीचर की बात को पूरा सुनना है और फिर लिखना है। अब बताओ, दोस्तों से मिलने जाना है, कितने लोग इस बात की खुशी से स्कूल जाते हैं? सब। और सिर्फ पढ़ने के लिए कितने लोग स्कूल जाते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाए। स्कूल जाना अपने आप में बच्चे के जीवन में दुख का कारण ना बने, इसीलिए हमारा प्रयास है कि फिजिकल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी हमारे स्कूल्स में बढ़े। कल आप सबने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, मनीष जी भी वहां पर थे, सबने मिलकर लगभग 35,000 से ज्यादा लोग राजपथ पर एक साथ समुदाय की भावना से, कम्युनिटी की भावना से एकजुट होकर योग कर रहे थे। 80 से ज्यादा नेशनैलिटीज ने मात्र राजपथ पर ही भाग लिया। इसलिए भारत ने कल ही 2 गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किए। इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। अब अक्सर ये होता है कि कई बार बच्चे सोचते हैं, ये सारा सिलेबस तुम हमारे लिए ही बना रही हो मैम, हमारे टीचर्स का क्या? इसलिए हमारे बच्चे नाराज ना हो, टीचर्स के लिए भी आज सिलेबस हमने प्रेषित किया है। एक है डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, बैचलर्स इन योगा एजुकेशन और मास्टर्स इन योगा एजुकेशन। ये काफी नहीं है कि हम अपने बच्चों से कहें कि तुम योगा सीखो। योग सिखाएगा कौन? इसलिए आज मैं एनसीटीई को अपनी ओर से धन्यवाद करती हूँ कि डिप्लोमा हो, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, योग अब टीचर्स खुद, टीचर एजुकेटर इंस्टीट्यूशंस में सीखें, इसका जो आपने प्रयास किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। त्रिपाठी जी इस वक्त एनसीईआरटी का दायित्व संभाल रहे हैं। इन्होंने 2 बहुत ही अच्छी किताबें कक्षा 6 से लेकर 10 के छात्रों के लिए बनाई है। अब स्वामी जी बोल रहे थे कि ये मोबाइल ऐसा चुंबक है जो जेब में नहीं रहता तो इंसान अस्त व्यस्त हो जाता है। हमने कोशिश की है स्वामी जी कि ये मोबाइल भी शिक्षा का एक दर्पण बने। इसलिए हम 17 जुलाई को एनसीईआरटी के आधार से, उनके सौजन्य से, एक मोबाइल ऐप राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी की सारी किताबें कक्षा 1 से 12 डाउनलोड मुफ्त में की जा सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चे खुश हो रहे हैं कि तुम मोबाइल लेके स्कूल जाओगे। स्कूल तो बस्ता ही जाने वाला है, लेकिन ये बस्ता कैसे हल्का हो सकता है और माता पिता को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और आज मैंने त्रिपाठी जी से कहा कि त्रिपाठी जी, आज जो आपने सिलेबस दिया है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बहुत जल्द वो भी डाउनलोड हो पाए मुफ्त मोबाइल के माध्यम से, ताकि सभी हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं और अभिभावक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक कारण बने योग से और जुड़ने का। अब प्रतियोगिता की भावना जब हम देखते हैं तो मन करता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। बच्चे कम्पीट करते हैं इसलिए नहीं ताकि वो दिखा सके कि मैं किसी और से बेहतर हूँ। बच्चे कम्पीट करते हैं इस भावना के साथ कि चलो दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर ग्राउंड पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को वक्त मिलता है। कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं? तो हम जब मनीष जी बोल रहे थे तब सोच रहे थे कि भारत सरकार कला उत्सव नाम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करने वाला है सभी प्रदेशों में। हमने आग्रह किया है कि आपकी प्रादेशिक जो आर्ट्स है, क्राफ्ट है, गीत संगीत है, नृत्य है, ड्रामा है, उसको हम प्रोत्साहित करें। हमारे देश के बच्चों में कितनी प्रतिभा है, उसका एक प्रतिबिंब तो हमारे बाल भवन के बच्चों में दिखाई देता है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि दिसंबर के महीने में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी कला उत्सव के नाम की,
जिसे हम न सिर्फ ऐसे ही एक स्टेडियम में करेंगे, बल्कि हमने ये ठाना है मनीष जी, और उसमें हम आपके भी सहायता की दरकार देखते हैं, हम कनॉट प्लेस के आसपास एक ओपन मैदान में, जो आपका सेंट्रल पार्क है, राष्ट्र भर की प्रतिभा वहां आएगी और राष्ट्र भर के बच्चे अपनी प्रतिभा को दिल्ली, देश की राजधानी में, दिल्ली के नागरिकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और हम देश भर से जो बच्चे हमारे परफॉर्म करेंगे, उनके माता पिता और शिक्षकों को भी बुलाएंगे, ताकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कला, संस्कृति और नृत्य और जो गीत है हमारे लोकल, उससे हम बच्चों को जोड़ सकें। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये योगा है और मैडम बात कर रही है कल्चर की, ये थोड़ा मेल नहीं खा रहा है। हमने एक घोषणा की थी कि कल्चर से संबंधित इस प्रतियोगिता में लगभग इंक्रीमेंटली 5 लाख तक का राष्ट्रीय पुरस्कार हमने रखने का प्रयास किया है। तो कुंठिया जी हमारे सचिव हैं स्कूली, मैंने कहा कुंठिया जी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता बच्चों की योग पर भी होनी चाहिए। अगले साल एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हम लोग करेंगे स्कूली बच्चों के लिए, और जो स्कूल, जो शिक्षक, जो बच्चे इसमें उत्तीर्ण होंगे राष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी इस राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में इंक्रीमेंटली 5 लाख रुपए का इनाम देने की आज मैं घोषणा करती हूँ। इसीलिए बच्चों से मेरा निवेदन है कि प्रतियोगिताओं का एक दौर शुरू होगा। प्रतियोगिता इसलिए ताकि आप स्वयं की इच्छा से कार्यक्रमों में जुड़ें। CBSE एक्सप्रेशन सीरीज नाम का एक कार्यक्रम करती है, जो ऑनलाइन एसे राइटिंग कंपटीशन है। इस एक वर्ष में लगभग 9 लाख बच्चों ने देश भर से प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। देश के कई महानुभाव हैं, शायद जिनका गौरव गान कई सालों से नहीं हुआ है। शुरुआत की थी हमने पिंगली वेंकैया जी से, जिन्होंने तिरंगे का एक डिजाइन बनाया था, पहला तिरंगा बनाया था। बच्चे उस एक्सप्रेशन सीरीज में जुड़े, आज योग के इस कार्यक्रम में आए। आप सभी बच्चे अपने प्रतिभा के आधार पर देश का नाम, परिवार का नाम और समाज का नाम रोशन करेंगे। आज इसी मंगल कामना के साथ मैं यहाँ आई हूँ, और विशेष रूप से इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो विशेष रूप से योगा फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर परिचर्चा में शामिल होंगे। हम जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जिन्हें कुछ लोग विकलांग कहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो स्पेशली एबल्ड हैं, योग कैसे उनके जीवन में अंतर ला सकता है शिक्षक के माध्यम से, इस प्रयास में आप सब जो अपना समर्थन और सहयोग दे रहे हैं, एक माँ होने के नाते मेरी ओर से उस प्रयास के लिए मैं आप सबको विशेष साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर ये राष्ट्रीय योग शिक्षक सम्मेलन सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं आप सबके प्रति प्रेषित करती हूँ। जय हिंद। अ योगी इज अ पर्सन हु इज इन हार्मनी विद हिमसेल्फ, his body, with his surroundings, with nature.